आमिर खान करीब 8 सालों से स्ट्रगल कर रहे थे अपने कमबैक के लिए। ठग ऑफ हिंदुस्तान के फ्लॉप होने के बाद उन्होंने 4 साल मेहनत करी और लाल सिंह चड्ढा बनाई, लेकिन नफरत, बायकॉट और कुछ कम्प्रोमाइज स्टोरी की वजह से मूवी चल नहीं पाई और आमिर खान को इस नाकामी ने अंदर तक तोड़ दिया। जबकि शाहरुख खान भी करीब 6-7 साल से स्ट्रगल कर रहे थे कमबैक करने के लिए, लेकिन उनकी फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप हो रही थी। नाकामी उनका दामन छोड़ नहीं रही थी, इसके बावजूद वो लगे रहे और पठान ने सारा खेल चेंज कर दिया। आज वो नए मोड़ पर आ चुके हैं कामयाबी के, लेकिन आमिर खान का आत्मविश्वास पूरी तरह से डगमगा चुका है। अब वो किसी नई मूवी को हाथ लगाने से ज्यादा बहुत डर रहे हैं। बट हाँ, ये फैक्ट है कि आमिर खान का आत्मविश्वास अंदर से टूट चुका है और अब वो अपनी नई मूवी को हाथ लगाने से बहुत ज्यादा डर रहे हैं। यहाँ तक कि जिस मूवी को उन्होंने बहुत अच्छे से तैयार किया था, उसके स्क्रिप्टिंग पर काम किया था, उसके राइट्स खरीदने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए थे, उस मूवी को भी करने से बच रहे हैं और सलमान खान को अप्रोच कर रहे हैं कि प्लीज आप इस मूवी को करिए क्योंकि आप ही इस पर फिट बैठेंगे। हालांकि मामला पूरा कॉन्फिडेंस का है, बिकॉज 2 साल पहले लाल सिंह चड्ढा के उन्होंने इसकी स्क्रिप्ट पर काम किया था, वर्कशॉप भी कर ली थी और मेंटली इस किरदार के लिए तैयार हो चुके थे। लेकिन आमिर को जब उनके मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिला तब आमिर खान को बहुत सदमा लगा। यही वजह है कि स्पेनिश मूवी चैंपियन, जो कि कैंपियानो के नाम से बन चुकी है, उसको हिंदी में अडॉप्ट करने की हिम्मत उनकी नहीं है। और अब चूंकि मूवी के राइट खरीद चुके हैं और सारी प्लानिंग हो चुकी है, इवन डायरेक्टर आरएस प्रसन्ना भी कास्ट किए जा चुके हैं, तो आमिर खान को एज ए प्रोड्यूसर इस मूवी को बनाने की मजबूरी है। बट आमिर खान चाहते हैं कि इस मूवी में ऐसा एक्टर काम करे जो उनके दिल के करीब हो, बिकॉज इसकी कहानी चैंपियंस की जो है उनके दिल के करीब है और बहुत हद तक थ्री इडियट्स और तारे जमीन पर का थोड़ा कॉकटेल है। अगर आप इस मूवी की ओरिजिनल कहानी नहीं जानते तो बहुत ही फनी और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक कोच है जिसे पनिशमेंट के तौर पर एक ऐसी टीम दी गई है जो दिमागी तौर पर ढीली है, लेकिन उसी टीम को लेकर उस कोच को चैंपियन बनना है। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और अंडरडॉग को विनर बनाती है। ऐसे में आमिर खान परफेक्ट चॉइस हो सकते थे, बट आमिर खान अब कॉन्फिडेंस में नहीं है तो सलमान खान के दिल के बहुत करीब है और वो चाहते हैं कि उनके दिल की करीबी स्क्रिप्ट सलमान खान के पास जाए। और सलमान खान आजकल बहुत अच्छे मूड में है, जिस मूवी को हाथ लगाते हैं फिर चाहे वो पठान हो या फिर किसी साउथ की मूवी गॉडफादर हो, सब की सब हिट हो जाती हैं। ऐसे में चैंपियन के लिए आमिर खान ने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किए कि प्लीज सलमान इस मूवी को करिए और एक बहुत अच्छी ब्लॉकबस्टर मूवी में कन्वर्ट कर दीजिए। उम्मीद करते हैं सलमान खान चैंपियंस को वो हाइट दे पाए जो आमिर खान ने सोची थी और आमिर खान को कमबैक के लिए मना पाए। दोस्तों, चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए इस मूवी को लेकर आपका एक्साइटमेंट लेवल किस हद तक है।